नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ईस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन मैप विच इज अरुणाचल प्रदेश। तो आज जिस प्रदेश को हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, ये कभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। मैं आपको बता दूँ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया के कई पार्ट्स को एक्सप्लोर किया, गए वहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उसको एम्पावर किया ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। बट अनलकीली दे कुड नॉट रीच नॉर्थ ईस्ट। अगर आप इसका टोपोग्राफी देखें, अगर आप इसका ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन देखें, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ लैंड, वाटर, माउंटेन, रफ सरफेज एंड दे लॉट मच टू डू इन द नॉर्थ ईस्ट। बट कनेक्टिविटी इज़ अ इशू। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि पूरे इंडिया के साथ ये नॉर्थ ईस्ट एक चिकन नेक के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर आप मैप में भी देखेंगे तो एक छोटा सा चिकन नेक विच इज़ लाइक सिक्किम एंड सम ऑफ द वेस्ट बंगाल कनेक्टिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्ट विद इंडिया, राइट। तो अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे। क्योंकि अंग्रेज यहाँ नहीं पहुँच पाए तो ये शुरू से ही एक नेग्लेक्टेड, यू नो, यू कैन से एक नेग्लेक्टेड प्रदेश रहा इन टर्म्स ऑफ डूइंग दी, यू नो, एम्पावरिंग दी स्टेट विद रिसोर्सेज, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, राइट। तो ये अरुणाचल प्रदेश 1972 तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसका करता था। 1972 के बाद से लेकर 1987 तक इसको एक यूनियन टेरिटरी की तरह देखभाल इसकी की गई, जो कि सेंट्रल एजेंसी इसको एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। 1987 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रदेश है जो इंडिया का पॉपुलेशन वाइज 27th नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 14th नंबर पे आता है। जब मैं जनसंख्या वाइज बात कर रही हूँ तो अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम और उसके बाद सिक्किम द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इन एनी स्टेट, राइट। तो आप देखें, ये एक ऐसे स्टेट है जो तीन देशों से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट में भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड नॉर्थ में चाइना। जैसे मैंने बोला, ये नेग्लेक्टेड रहा है, तो इसका नेग्लेशन का भी एक रीज़न रहा है, वो ये कि हमेशा ये एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री रहा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। 1962 का जब वॉर हुआ, उसके बाद ये चाइना को हमेशा ऐसा लगता है कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये साउथ तिब्बत का पार्ट है, और इंडिया के लिए ये एक बहुत अहम बॉर्डर है, एक बहुत अहम प्रदेश है। तो थ्रू मैकमोहन लाइन हम इसको बाइफरकेट करते हैं फ्रॉम चाइना, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कनेक्टिविटी में है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, ऐसा क्या है जो अरुणाचल प्रदेश को खास बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने आपको बोला, इट्स अ स्टेट विद फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म इतना 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 बेहद खूबसूरत, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसको लैंड ऑफ डाउनडिट माउंटेन कहते हैं। अरुण का मतलब होता है सूर्य। ये वो राज्य है जो वहाँ भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो अगर मेरे और आपके जगह पे हम 5 बजे या 4:30 बजे या 4:45 बजे सूर्य के दर्शन करते हैं, यहाँ 3 बजे सूरज निकल आता है। और अगर आपको ये ब्यूटी देखनी है तो आप जाएंगे डोंग वैली, विच इज़ राइट देयर इन अरुणाचल प्रदेश, जहाँ भारत में जब सूरज दिखता है तो सबसे पहले उसी एक पर्टिकुलर जगह पर दिखता है। इस पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए आपको मेनलैंड से करीबन 8 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। दैट इज़ वेयर यू कैन रीच डोंग वैली टू सी दी फर्स्ट सनराइज इन इंडिया, राइट। तो ये एक ऐसा प्लेस है विच इज़ फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फुल ऑफ ऑक्सीजन। अगर पूरे भारत में कहीं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का क्षेत्रफल का 82% इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद फॉरेस्ट, राइट। तो जंगल ही जंगल हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, राइट। अगर आप देखें कि ये जो फॉरेस्ट कवर है, ये फॉरेस्ट कवर एक अलग तरीके का हैबिटेट प्रदान करता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो द ओनली स्टेट विच हैज़ अराउंड 26 डिफरेंट ट्राइब्स एंड मोर देन 100 सब ट्राइब्स। इन 26 ट्राइब्स के पास मोर देन 30 लैंग्वेजेस हैं टू कम्युनिकेट, जो मैं और आप नहीं समझ पाएंगे, दैट इज़ देयर ट्राइबल लैंग्वेजेस, राइट। तो क्योंकि ट्राइबल लोग आर नोन फॉर देयर, यू नो, स्ट्रिक्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रिजर्विंग देयर कल्चर, प्रिजर्विंग द नेचर, दे वर्शिप नेचर, सो दे डोंट अलाउ आउटसाइड पीपल टू कम इन एंड एक्सप्लोर मच इन दी स्टेट। यही कारण है कि अगर एक लोकल व्यक्ति को भी, एक डोमेस्टिक ट्रैवलर को भी
टूरिस्ट को भी अगर अरुणाचल प्रदेश घूमना है तो उसको इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत होती है। आप बिना परमिशन के, दैट्स अ परमिशन विच यू टेक थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू विजिट अरुणाचल प्रदेश विद इन, राइट। तो ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आपको घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे मैंने आपको बोला, ये एक ट्राइबल एरिया है और यहाँ पर जो इकोनॉमी का जो मेन सोर्स है, दैट इज़ थ्रू कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, राइट। और इनका एग्रीकल्चर भी जो होता है ना, वो एक अलग टाइप का होता है। देयर इज अ डेफिनेट नेम फॉर दैट, दैट्स कॉल्ड झूम कल्टिवेशन। झूम मींस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मतलब एक जगह पे रहेंगे, वहाँ पर उगाएंगे, जब तक वो ज़मीन उपजाऊ रहेगी तब तक वहाँ पर कल्टिवेशन होगा। जैसे ही वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ पर कल्टिवेशन करना शुरू करेंगे। तो एक ऐसा फॉरेस्ट एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर दे आर फ्री टू मूव अराउंड, राइट। बात करें, अगर हम बात करेंगे वाटर की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 41% उसका जो है वो इसी स्टेट में आता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। और ये 41% भी इट्स लाइक अ सोर्स ऑफ वाटर, द पोटेंशियल सोर्स ऑफ वाटर फॉर अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र का नाम कन्वर्ट होके हो जाता है सियांग। और जब यही सियांग का वाटर लोअर लेवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पे आता है तो हो जाता है दिबांग। सो इट्स अ सेम रिवर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू कॉल ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल प्रदेश, सो इट इज़ सियांग एंड दिबांग, राइट। बात करें अगर यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं। इसको लैंड ऑफ ऑर्किड भी कहते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ ऑर्किड भी कहते हैं, जहाँ आपको 500 से ज़्यादा ऑर्किड स्पीशीज़ मिलती हैं। तो जो बॉटनिस्ट हैं, जो बायोडाइवर्सिटी पे शोध करते हैं, उनके लिए एक एक्सीलेंट प्लेस है टू विजिट, टू गेट द सैम्पल, टू डू द रिसर्च। नामफा नाम का जो नेशनल पार्क है, दिस इज़ द ओनली प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया वेयर यू हैव 4 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स, विच इज़ टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, राइट। सो इट्स अ प्लेस फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ इट इज़ अ प्लेस जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी के साथ हिल है, माउंटेन है, रिवर है, पानी है, अच्छी बारिश होती है, अच्छे जानवर हैं, अच्छे फूल पौधे हैं, अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। इसके बावजूद भी यहाँ टूरिज़्म कम है। टूरिज़्म ना होने का कारण है क्योंकि ये एक बहुत डोमिनेटिंग ट्राइबल जोन है, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत हैं। और तीसरा कारण है, कनेक्टिविटी पुअर है, तो कोई भी फंक्शनल एयरपोर्ट है नहीं। रेलवे लाइन की बात करें तो वो ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोहा सादिया इज़ दी ओनली पुल, द लॉन्गेस्ट पुल ऑफ, द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया विच कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद आसम, राइट। तो एयरपोर्ट की सुविधा है नहीं, रेलवे स्टेशन दूर है, केवल कनेक्ट करता है हाईवेज से, और हाईवेज भी बहुत इंटीरियर एरियाज तक नहीं जाते। रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के थ्रू ट्रैवल पे, टूरिज्म पे, अगर लेना है तो परमिट लेके जाना है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो जस्ट टू यू नो प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम अननेसेसरी बर्डन और टेंशन और यू नो फाइट्स। और इसका टोपोग्राफी देखें तो जो 12 टूरिस्ट सर्किट हैं, वो हर एक सर्किट दूसरे सर्किट से बहुत अलग है। मतलब अगर आप टूरिज़्म को डेवलप करना चाहें तो ये एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्रदेश के पास कि शायद पूरे देश को फेल कर दे, राइट। लेकिन अगेन, कनेक्टिविटी इज़ अ बिग इशू। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अरुणाचल प्रदेश इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगता है। डोंग वैली में जाएं, देखें, महसूस करें, आपको अच्छा लगेगा। और एक ऐसा प्रदेश जो अपने ट्राइबल डोमिनेशन के लिए प्रसिद्ध है, अपनी बोलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सारा ऑफिशियल काम केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एक लार्जेस्ट स्टेट है अमंग दी 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन है। यहाँ मात्र 13 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, राइट। सो विच इज़ लाइक वेरी वेरी लो, राइट। सो इट्स अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अ प्लेस विच इज़ नोन फॉर इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल। लोग मेडिसिनल प्लांट हो गए, आपके ऑर्किड हो गए, सब कुछ बहुत एनरिच है। लेकिन द ओनली थिंग वी नीड टू लुक फॉर इज़ द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, establishing a you know air network, establishing a railway network or a highway network to connect with inside people, right? और development की बात करें तो this is like the driest one, wherein the upcoming projects
कैन हेल्प दिस पर्टिकुलर प्लेस टू ग्रो टू यू नो इम्पार्ट एट इट बेस्ट अमंग दी डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू एंड विल हेल्प यू टू एनरिच योर नॉलेज अबाउट अरुणाचल प्रदेश एंड इट विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली दी ईस्ट मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. थैंक यू सो वेरी मच. टिल देन टेक केयर एंड इफ यू लाइक द कंटेंट आई डू प्रोवाइड हेयर थ्रू माई वीडियोज प्लीज डू लाइक द चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन. टिल देन टेक केयर. Stay safe, stay happy, and enjoy learning. Thank you so very much.